हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम रावत और आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम या बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट टाइम, उन सभी के लिए जो है मैं वीडियो लेके आ रखा हूँ कि कैसे आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और उसके बाद जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो है अपना जो गूगल है या क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सर्च और टाइप वेब एड्रेस, आपको ऊपर सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा तो उस पर क्लिक करके आपको जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी या UOU जो है आपको सर्च करना होगा। तो जैसे ही आप वो सर्च कर देंगे उसके बाद जो है जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपके सामने जो है शो हो जाएगी। तो उस पर क्लिक करके जो है आप जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी यहाँ पर जो है एंटर कर लेता हूँ वेबसाइट का नाम। तो जैसे ही आप जो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है सर्च बार में टाइप करेंगे तो उसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद दोस्तों अभी जो है आपको अगर एडमिशन लेना है तो ऊपर आपको जो है यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। वो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा स्क्रॉल अप कर लीजिएगा और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो इसके बाद आपके पास आएंगे यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं और उसके बाद जब आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एक चेक बॉक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आई एग्री टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली पे क्लिक करना है। और दोस्तों अगर आप बीए सेकंड ईयर फाइनल ईयर या एमए सेकंड ईयर या इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से वो एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देखिए और उसकी मदद से भी आप जो है अगर बीए सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं आप फाइनल ईयर का, तो आप उस वीडियो की मदद से आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्लिक करता हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली, क्योंकि अभी जो है हम फर्स्ट टाइम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो है इनरोल कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करके जो है ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन में। और मोबाइल फ़ोन में जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना होगा, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है दोस्तों इसकी जो फ़ोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको इसको अपलोड करनी है, बट यहाँ से आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं भी आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये आपको दिखाई देने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर भी करने होंगे इसमें, तो इसीलिए आपको इसको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म था वो डाउनलोड कर लिया है, तो आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आपको क्या है दोस्तों, आपको इसका जो प्रिंट आउट है वो निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इसमें जो आपका नाम है और आपके जो फादर का नाम है, आपकी जो मदर का नाम है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर पहले हिंदी में फिल करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है आपका जो सिग्नेचर है यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा नीचे बॉटम साइड में कि आवेदन के हस्ताक्षर नाम और पता, ये आपको यहाँ पे हिंदी में फिल करना है। और उसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी सेम इसी प्रकार से फिल करना है। यहाँ पे आपको जो आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, वो इंग्लिश में लिखना होगा। और यहाँ पर जो नीचे सिग्नेचर हैं वो भी आपको इंग्लिश में करने होंगे। ऊपर आपको जो था हिंदी में सिग्नेचर करने थे और डिटेल्स फिल करनी थी, और नीचे आपको इंग्लिश में और सिग्नेचर भी इंग्लिश में
फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको प्रिंट आउट करके इसका सिग्नेचर एक बार कर लीजिएगा फॉर्म में, उसके बाद चलते हैं फिर से बैक से ऑफिशियल वेबसाइट में, और आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको कि क्या करना है आगे फिर आपको। तो दोस्तों अभी जो है मैंने आपको बता दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको थोड़ा देखिए यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे सेशन सत्र और यहाँ पे रीजनल सेंटर और प्रोग्राम। आपको जो है सबसे पहले सेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे सेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं वो ईयर यहाँ पे आपको शो होगा। तो अभी हम जुलाई 2023 में अप्लाई कर रहे हैं, तो जुलाई 2023 पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल थोड़ा इसके नीचे आपको दिख रहा है रीजनल सेंटर, तो यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर जो सेलेक्ट है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो आपका रीजनल सेंटर है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपका रीजनल सेंटर जो है देहरादून है तो देहरादून सेलेक्ट कीजिएगा, अगर रुड़की है तो रुड़की, पौड़ी है तो पौड़ी, हल्द्वानी है तो हल्द्वानी, उत्तरकाशी, रानीखेत। तो जो मैं हूँ रानीखेत है मेरा रीजनल सेंटर, तो यहाँ पे मैं रानीखेत सेलेक्ट करूँगा। और सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोग्राम है दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पे प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो अभी एडमिशन हो रहे हैं वो BA 23, तो मैं अभी हम जो है BA में एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं BA सेलेक्ट करूँगा। अगर आप किसी अदर क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ से आप BCom हो गया, आपका BSc हो गया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं BA का फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर BA पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको जो है सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है नीचे आपका जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पे जो है आपको 10th प्लस जो आपका सब्जेक्ट थे, जो आपके नंबर्स थे, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे बोर्ड, आप जो स्टेट बोर्ड होता है हमारा उत्तराखंड को, तो यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड फिल करना होगा। किस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पे फिल करनी है, आपके कितने परसेंटेज थे 12वीं में ये आपको फिल करना है, और डिवीज़न कौन सी थी आपकी ये आपको यहाँ पे फिल करना है, और आपकी आर्ट साइंस थी या साइंस थी आपकी या कॉमर्स थी, वो आपको सब्जेक्ट्स जो हैं ये यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी जो है मैं भी यहाँ पे जो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे नीचे यहाँ पे शो हो रहा होगा आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल द, ये आपको इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं जो डिटेल्स हैं वो फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने डिटेल्स फिल कर ली हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आई डिक्लेयर दैट पे क्लिक कर लेता हूँ चेक बॉक्स पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है नीचे आपका जो है यहाँ पे कॉलेज शो होंगे आपको, तो यहाँ से आपका जो नियर बाई कॉलेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी जो मेरा यहाँ पे नज़दीक का जो कॉलेज है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका नियर बाई है, और उसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आगे जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो जाएगा जैसे ही आप जो कॉलेज है वो सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स हैं आपकी वो पहले ही जो है जो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा, यहाँ पर ये रेड बॉक्स में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले जो सेशन है जो हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया था वो होगा, जो रीजनल सेंटर हमने पहले सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जो हमने स्टडी सेंटर जो सेलेक्ट किया था कॉलेज अपना वो यहाँ पे शो होगा, और जो प्रोग्राम है आपका वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप आर्ट्स कर रहे हैं, मतलब कि आप जो है BA लिया हुआ है आपने, अगर आप BCom कर रहे हैं BSc कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये आपका जो सेलेक्ट किया है आपने वो शो होगा। उसके बाद देखिए अभी जो है आपकी NOP लग चुकी है, तो आपके सेमेस्टर वाइज जो है एग्ज़ाम होंगे अब। तो यहाँ पे जो है पहला आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है दोस्तों एग्ज़ाम सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जो है नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्टडी मीडियम आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। स्टडी मीडियम में आपका हिंदी ही होगा तो हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो एग्ज़ाम सिटी है जो आपका नियर बाई एग्ज़ाम सिटी है ये आपके शो हो रहे हैं यहाँ पे, जो आपका नियर बाई है वो आप देख लीजिएगा, और कोई
कोई सा भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे दोस्तों, जो आप यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करेंगे उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने होंगे। और यहाँ पे जो आपके नाम है उसके बाद नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल अप कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपकी स्टूडेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं आप रेड बॉक्स के अंदर, पहले आपको जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, और मिडिल नेम है आपका जो यहाँ पे फिल करना है, और जो लास्ट नेम है आपका वो यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मेरा नाम है प्रेम सिंह रावत, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मेरा प्रेम हो जाएगा, मिडिल नेम यहाँ पे सिंह हो जाएगा, और लास्ट नेम यहाँ पे रावत हो जाएगा। अगर आपका नाम है पंकज सिंह, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम पंकज होगा और जो लास्ट नेम होगा यहाँ पे सिंह होगा, यहाँ पे मिडिल नेम में आपका कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है, यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आपको यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे आपका जो नाम है फुल नेम जो आप ऊपर जो आपने फिल किया है वही आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना है। अगर आपको हिंदी में कैसे टाइप करना है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हिंदी टाइप क्लिक हेयर यहाँ पे ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर भी दे सकते हैं, अपना नाम हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में जो है ऑप्शन होता है हिंदी में नाम लिखने का, तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके बॉक्स पे अपना जो नाम है वो यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको जो आपके जो फादर नेम है वो आपको फिल करना है, जो आपका मदर नेम है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद जो आपका जेंडर है दोस्तों, आपको जो है मेल फीमेल, अगर आप लड़का हैं तो लड़का मेल और फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, और जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों वो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर है उसकी सहायता से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, उसमें जो है आपको सबसे पहले जो आपका मंथ है वो आपको मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करना है आपको, कौन सा ईयर है जिसमें आपने जन्म लिया हुआ है, और जो आपकी डेट है कौन सा जो दिन है जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है ये यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ ले आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे वही डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ पे जब आप जो है अपना जो है एडमिट कार्ड और जो आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम, तो उस टाइम जो है आप डेट ऑफ बर्थ आपको जो आप यहाँ पे फिल करेंगे वही आपको वहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो एक बार देख लीजिएगा, सही डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिएगा आप सभी लोग। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपका जो है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और यहाँ पे आपको उसके बाद आपका जो है ईमेल एड्रेस साइड में राइट साइड में आपका जो है ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है, और ईमेल एड्रेस आपको भी यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप जो है अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे राइट साइड में इसके आपको देखिए यहाँ पे ईमेल का भी ऑप्शन है, ईमेल यहाँ पे देख सकते हैं, ईमेल बॉक्स है, यहाँ पे ईमेल आपको फिल करनी है। और यहाँ पे कोई भी जैसे आपका फॉर्म फिल हो चुका है तो उसके बाद जो है आप जो यहाँ पे नंबर ऐड करेंगे तो उस पर ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है बीए फर्स्ट ईयर में वो सक्सेसफुली जो है वो फॉर्म फिल हो चुका है, और ईमेल पे भी आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चेक अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट एक ओटीपी जाएगा आपके नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो मैं भी यहाँ पे एक बार जो नंबर है वो डाल लेता हूँ, और उसके बाद जो ओटीपी है वो आपके सामने यहाँ पे ऐड करूँगा। तो चलिए थोड़ा ऐड कर लेता हूँ मैं भी डिटेल्स अपनी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो अपना मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो मैंने ऊपर एंटर कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो है मेरा जो नंबर जो मैंने एंटर किया था उस पर जो है एक ओटीपी जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि आपको जो ओटीपी है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ओटीपी मेरे नंबर पे आ चुका है या नहीं आया हुआ है, तो आप भी चेक कर लीजिएगा, और ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो मैं भी जो ओटीपी जो मेरे मोबाइल नंबर पे अभी आया हुआ है उसको यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो जो
OTP आया था मेरे नंबर पे, वो मैंने एंटर कर दिया है। और यहाँ पे जो OTP आता है आपका, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको दिख रहा होगा जो OTP आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंटर OTP पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये सक्सेसफुली जो है ले लेगा इसको। तो वेरीफाइड यहाँ पे देखिए, वेरीफाइड यहाँ पे शो हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है, जो आपका नेशनल आइडेंटिटी जो है दोस्तों, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है फिर। तो यहाँ पे जो मैन्युअली जो आपके पास आधार कार्ड होगा, तो यहाँ पे आप आधार कार्ड जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड है, सॉरी पासपोर्ट है और पैन कार्ड है, तो आप वो भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है या जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो उसकी डिटेल्स और नंबर्स हैं यहाँ पे, उस आपको एंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो मेरे आधार कार्ड के पे जो नंबर होते हैं 12 या 16 नंबर्स होते हैं मे बी, तो वो 16 नंबर्स मैं यहाँ पर एंटर करूँगा उसके बाद। तो पहले मैं ये एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने जो मेरा आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे ऊपर फिल कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है दोस्तों, आपके जो कुछ ऑप्शंस हैं इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे आपका जो है NADID, अगर ये आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है। और ABC ID उसके बाद है ABC ID, तो अगर आपको आपके पास ABC ID नहीं है तो ये कंपलसरी नहीं है, बट मे बी जो है फ्यूचर में ABC ID आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है बीच में जो BA सेकेंड ईयर फाइनल ईयर्स में जो एडमिशन्स हुए हैं उसमें जो है ABC ID कंपलसरी कर दी गई थी। तो अगर आपको पता नहीं है कि ABC ID कैसे बनाना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको बता दूंगा कि ABC ID जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन से सिर्फ 2 मिनट में कैसे बना सकते हैं। तो एक बार आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद, और ABC ID आप कैसे बना सकते हैं वो चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो नेशनलिटी है, जो राष्ट्रीयता है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो मैन्युअली यहाँ पे आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, इंडियन। और उसके बाद जो स्टेट ऑफ डोमिसियल है आपका, वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे तो उत्तराखंड आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप दिव्यांग है तो आप दिव्यांग, नो, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक कैटेगरी यहाँ पे शो हो रहा है, तो कैटेगरी में आप जो है जनरल, अगर आप जनरल हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, और जो अगर आप यहाँ से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जनरल हूँ तो जनरल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। और रीजनल क्षेत्र जो है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका क्षेत्र है यहाँ पर रीजनल, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट, तो रीजनल में जो है आप अगर रूरल हैं तो रूरल, और अर्बन है तो अर्बन, और सेमी अर्बन है तो सेमी अर्बन, तो रूरल में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आपका जो है कम्युनिटी, जो समुदाय है आपका, रिलीजन, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम, मैं जो हूँ हिंदू हूँ, तो हिंदू यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद जो है आपका जो है इकोनॉमिक क्लास, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्लास में जो है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका APL है आपका, तो APL, BPL है तो आपका BPL, तो यहाँ पे मैं APL सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है लाइफ लाइव सॉरी लाइवलीहुड स्टेटस जो है आपका, वो आपको यहाँ पे फिर इसके बाद नीचे सेलेक्ट करना है। तो एक बार मैं भी जो है यहाँ पे, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, कि आप विवाहित हैं या अनविवाहित हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड और अनमैरिड। तो अनमैरिड यहाँ पे मैं हूँ, तो अनमैरिड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, कि यहाँ पे देखिए कारागार की कैदी या कारागार, जो अगर आपको पनिशमेंट मिली हुई है तो अगर आप यस करेंगे, वरना नो ही करिएगा। यहाँ पे नो यहाँ पे ऑलरेडी होगा, और यहाँ पे भी आपको नो ही करना है। उसके बाद जो है आपका एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना होगा, यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉक्सेस आपको दिए गए हैं एड्रेस के लिए, तो यहाँ पे जो आधार कार्ड पे आपका एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी एड्रेस है आपका उस पर, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद जो शहर है आपका, सिटी, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप सिटी पे सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी आपका शहर है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है अल्मोड़ा से हैं, अल्मोड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है जो भी आपका बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़,
जो भी आपका जो है एड्रेस है सिटी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेट है उसके बाद नीचे, तो स्टेट में आपको उत्तराखंड सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद जो पिन कोड है दोस्तों, आपका जो पिन कोड है, जैसे आपने जो है बागेश्वर सेलेक्ट किया हुआ है, तो बागेश्वर में जो है आपका एक गांव होगा, तो गांव का जो आपका पिन कोड है वो आपको यहां पे एंटर करना है। तो आप पिन कोड वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो कंट्री है दोस्तों, आपका इंडिया सेलेक्ट होगा, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, नेपाल से हैं तो नेपाल, तो इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं नीचे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस में क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको जो है क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ऐड करनी है आपकी 10वीं 12वीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं, 10वीं से लेके पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा है कि उत्तीर्ण परीक्षा उपाधि का नाम, तो जो आप एग्जामिनेशन नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा 10th या 12th। उसके बाद जो ईयर ऑफ पासिंग है आपका, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस ईयर में वो क्लास पास की है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम आपको वो सेलेक्ट करना होगा, परसेंटेज और कौन सी डिवीज़न थी आपकी वो, और मेन सब्जेक्ट कौन सा था आपका वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। पहले आप 10th सेलेक्ट करेंगे, आपने जो 10th में जो आपके नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऐड कोर्स का, तो जैसे ही आप ऐड कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद जो आप पहले 10th का अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 10th के आपके ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपके पास आपको यहाँ पे 12th के ऐड करने होंगे, तो एग्जामिनेशन नेम में सेम आपको 12th ईयर पासिंग वो 2023 में आपने पास किया तो 2023 यहाँ पे आ जाएगा। बोर्ड अगर आप स्टेट बोर्ड से किया तो स्टेट बोर्ड, और परसेंटेज अगर आपके परसेंटेज जितने हैं वो आपको फिल करना है। डिवीज़न जो है आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आपको फिल करनी है। अगर आपकी साइंस मैथ साइंस कॉमर्स और बायोलॉजी कुछ भी है आर्ट्स, तो यहाँ पे आप वो ऐड करेंगे। और उसके बाद आप ऐड क्वालिफिकेशन पे फिर क्लिक करके आपकी जो है 12th की भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और उसके बाद मैं भी आपको यहाँ पे पूरा ऐड करके दिखाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ और उसके बाद लाइव एक बार आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आपने जो है बीएससी बीकॉम किया हुआ है और आप जो हैं बाद में जो है बीए कर रहे हैं, तो आप वो डिटेल सारी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे देख के थोड़ा स्क्रॉल अप करने के बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे पनिश बाय कोर्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका नो पे ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होगा, अगर यहाँ पे यस पे सेलेक्ट है तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे एक अपलोड करनी है। आपकी जो इमेज है यहाँ पे स्टूडेंट इमेज आपकी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चूज फाइल पे, आप जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसकी गैलरी में ले जाया जाएगा। वहाँ पे आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है, और जो आपकी जो फ़ोटो की जो साइज़ है दोस्तों, जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG में होना चाहिए, और जो फ़ोटो का जो फाइल साइज़ है दोस्तों वो होना चाहिए 5KB से 35KB तक। अगर इससे ऊपर होता है और तो वो फ़ोटो जो है आपकी यहाँ पे नहीं ली जाएगी, और अगर 5KB से नीचे होता है तो भी आपकी फ़ोटो नहीं ली जाएगी। और उसके बाद आपका नीचे जो है एक आपको अपलोड सिग्नेचर करना है, आपको एक कागज़ पे जो है आपका जो सिग्नेचर है वो कर लेना है। और उसके बाद आपको जो है उसकी पिक लेनी है, पिक लेने के बाद उसको आपको जो है JPG में जो है उसका साइज़ जो है 5KB से 35KB में जो है कन्वर्ट करना है, 5KB से लेके 35KB के बीच में होना चाहिए उसका साइज़। जैसे आपकी जो है उसके बाद आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है जो आपने सिग्नेचर किया हुआ है जिसकी पिक खींची हुई है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपलोड पे जो है क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप पहले स्टूडेंट इमेज में आपने जो फ़ोटो है वो चूज़ करेंगे, तो उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे जैसे ही आप जो है फ़ोटो चूज़ कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो है फाइल का नाम आपको शो हो जाएगा। तो पहले मैं एक बार जो है फ़ोटो चूज़ करके आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने जो मेरी जो इमेज है वो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो इमेज का नाम है वो यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है। तो अभी मैं जो है इमेज पे अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये जो पिक्चर है दोस्तों वो अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे दोस्तों ये टाइम लेगा क्योंकि ये आपकी जो है अपलोड हो रही है। अगर ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर जो है मेरी अपलोड हो रही है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है पिक्चर ऐसे ही ले रखी है, बट यहाँ पे जो है आपको जो आपका जो फेस है उसकी पिक्चर लेनी, जैसे आप सेल्फी लेते हैं सेम उसी टाइप में आपको ये पिक्चर लेनी है। तो इस प्रकार से आपको जब जो भी आप यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे अपनी, वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको, मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आप अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे नहीं लगाई हुई है, तो आपको जो है आपकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे लगानी है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आपको जो है आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सेम जैसे आपको ऊपर फ़ोटो का ऑप्शन दिखा था, फाइल का नेम दिखा था, उसी प्रकार आपको भी यहाँ पे फाइल का नाम दिखेगा, और उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। तो उसके बाद जो है नीचे आप स्क्रॉल आप करेंगे ऊपर को, तो उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके 10th 12th और यहाँ पे आपके जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जो हमने डाउनलोड किया था पहले, वो जो है आपको सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए, सबसे पहले आपको सेम उसी प्रकार से आपको आपको जो 12th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, फिर 12th की, फिर यहाँ पे एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप जब सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे डन एंड नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। और अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो जो आपके यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स फिल किए हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं भी यहाँ पे एक बार सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे जो है प्रोसेस बताता हूँ आपको कि आगे क्या करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डन एंड नेक्स्ट। और अगर यहाँ पे कोई भी डिटेल्स मैं रॉन्ग फिल करता हूँ तो यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं होगा, आगे जो पेज है वो ओपन नहीं होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने राइट फिल की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा है कोर्स नेम। तो यहाँ पे आपको जो है तीन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, आप जो है जिस सब्जेक्ट को लेने में कंफर्टेबल हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं भी जो है जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप भी जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, यहाँ पे आपको चार सब्जेक्ट यहाँ से आपको फिर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट, सबसे पहले आप माइनर सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों माइनर सब्जेक्ट सेलेक्ट में, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने सब्जेक्ट की जो है लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, जिस पे जैसे आप BA HL 1 0 सॉरी 1 2 0 ले सकते हैं पद्य साहित्य, तो इस पर क्लिक करके आप इसको ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज में आपको जो है सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड वाला ऑप्शन, तो इसमें जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें देखिए सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि जो आप जिसमें भी जो है कंफर्टेबल है वो आप ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पे CRTI बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज करके, तो इस पर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके तो सेलेक्ट करने के बाद आपके जो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कुमाऊनी भाषा साहित्य सेलेक्ट किया हुआ है, तो जो भी आप कंफर्टेबल है कुमाऊनी गढ़वाली आप कोई भी ले सकते हैं, वहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली में से दोनों में से। और उसके बाद जो है वैल्यू एडिड कोर्सेज में आपका जो है आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस स्टडी जो है वो कंपलसरी होगा सभी के लिए। और उसके बाद देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो 12th बेस में जो आपके सब्जेक्ट थे दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, मे बी थोड़ा इशू हो रहा है इसमें। बट अगर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, अगर आपके यहाँ पे ये सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको जो आपके 12th में सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने, अगर आपकी आर्ट साइड
थी, तो आप आर्ट्स के जो आपके सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे फिल करने। अगर आपके यहाँ पे बायोलॉजी थी तो यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉमर्स थी आपकी, तो कॉमर्स में जो आपके सब्जेक्ट होते वो आप 5 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका अप्लाई का ऑप्शन। तो अप्लाई पे आप क्लिक करना होगा आपको। बट यहाँ पे मैं जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे जो है पहले जो 5 सब्जेक्ट जो ऊपर दिए गए हैं वो सिलेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है। बट यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए जो है आगे जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका कि जेनरिक इलेक्टिव करके है नेक्स्ट ऑप्शन। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है देख के बताता हूँ आपको कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही आप जो है सेलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे, जैसे कि जो बुक के कोड होंगे GEYS 01 और उसके बाद GEYS 02। आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप जो है सब्जेक्ट ले सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं दोस्तों, बुक का कोड है आपका GEBBBBA करके आपका जो है ऑप्शन है यहाँ पे, आपका यहाँ पे ऑप्शन है GEBBA 03। आप इसको ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो आप जो है क्लिक करके वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वेरीफाइड सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और वेरीफाइड सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी शो हो जाएगी, जैसे कि जो प्रोग्राम फीस है 2600 रुपये आपकी प्रोग्राम फीस है। और उसके बाद यहाँ पे व्यू एडिशनल फीस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो भी यहाँ पे देखिए, अगर आप व्यू एडिशनल फी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको आईडी कार्ड और इसके लिए आप पे कर रहे हैं करके 150 रुपये एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी होने वाली है दोस्तों, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जब आप जो है आगे जो ऊपर के जो प्रोसेस है उनको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद ही एग्जामिनेशन फ़ी आपको यहाँ पर शो होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मेरे को शो नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट यहाँ पे मे भी सिलेक्ट करने हैं वो कंप्यूटर के थ्रू सिलेक्ट करने हैं, लैपटॉप या उससे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं फ़ोन से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे 5ों सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी आपकी। और जो टोटल फ़ीस हो रही है यहाँ पे आपकी 4300 रुपीज़ हो रही है बीए फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन ले रहे हैं। उसके बाद आप जो है जब आप फिल कर देंगे तो डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो रेफरेंस नंबर होगा वो होगा शो हो जाएगा, और पेमेंट का आपका जो है ऑप्शन है वो पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और थोड़ी देर वेट करना है। आपको बैक जो बटन होता है उसको प्रेस नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप बैक का जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो उसमें आप इशू फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपका उस टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग में होती है। तो आप सभी लोग जो है बैक बटन जब तक पेमेंट डन नहीं हो जाती है तब तक मत प्रेस कीजिएगा। और जैसे ही पेमेंट हो जाएगी आपकी तो आपका जो है जो नंबर आपने पहले दिया हुआ है उस पे आपको जो है एक मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, और मेल आईडी पे भी आपको मैसेज आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन भी शो हो जाएगा, तो प्रिंट पे क्लिक करके आप जो आपकी जो एडमिशन जो आपने अभी लिया हुआ है उसका जो है फ़ी रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।